पोखरण राम देवरा सड़क मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो जाने से दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार राम देवरा रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर की दूरी पर अचानक रावड़ा दराजपुर धर्मशाला के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से पोखरण के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया। मोहम्मदपुर बैरवी निवासी विजय अपनी पत्नी गिरजा देवी के साथ अपनी बहन की शादी के कार्ड देने अपने रिश्तेदारियों में जा रहा था। जैसे ही थाना सिरसागंज क्षेत्र के हाईवे स्थित पैगू चौराहे पर पहुंचा तो बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे गिरजा देवी की मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दिया। एक महिला जो अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी, उसको किसी अज्ञात वाहन द्वारा पीछे से टक्कर मार दी और महिला की मौके पर मृत्यु हो गई। महिला का नाम गिरिजा देवी है, उसके पति का नाम विजय कुमार है। वो बेचारे शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे। दुखद स्थिति है और किसे मंदिर बेचारे की आवश्यक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ट्रक का पता लगाया जा रहा है। ट्रक और चालक वाहन चालक के बारे में पुलिस कार्रवाई की जा रही है। पंचायत में कार्रवाई करने के बाद उसका ट्रक का पता लगाया जा रहा है। जिला फिरोजाबाद के सिरसागंज में मंगलवार की सुबह निर्माणाधीन पुल के ऊपर मिले महिला के शव की उसके पति ने बेबी के रूप में शिनाख्त की। महिला बेबी के पति रामवीर ने बताया कि उसकी पत्नी बेबी फरसाया कोल्ड स्टोर में आलू बीने का काम करती थी। ये गई थी यहाँ पैसे लेने, उसने बुलाया। क्या काम करती है? कोल्ड में काम करती थी। तभी से गायब थी। जिलेदार एवं उसके लड़कों ने पूरी बिल नहीं चली जाती थी। मृतक महिला के पति ने थाने में इसका हम पता लगा के ये मिली नहीं। कब से गायब थी? ये 6 तारीख को गायब हुई है शाम को। हाँ, पैसे लेने लिए गई थी। किससे? उस मुनीम से। कौन, क्या नाम है? जिलेदार नाम था। कोल्ड का नाम फसैया है। तो फिर कैसे मालूम पड़ी तुम्हें? हमने पता लगाया तो कुछ लोगों ने, हम लोगों ने बताया था यहाँ पर, वहाँ पर लाश पड़ी हुई है हाईवे के ऊपर, पुल बनना तो वहाँ पर, तो वहाँ पर पता चला जब हमने भाई रिपोर्ट करी इधर आके। तो ये मुनीम कहाँ के रहने वाले हैं? नगला घाक के हैं। जिलाधिकारी चंदौली व पुलिस अधीक्षक चंदौली के नेतृत्व में मोटरसाइकिल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इसी दौरान रैली नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराज से प्रारंभ होकर पड़ाव चौराहा थाना मुगल सराय पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक चंदौली संतोष कुमार सिंह द्वारा कहा गया कि वे भयमुक्त होकर अपने मत का प्रयोग करें। चंदौली पुलिस निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने हेतु सदैव उनके साथ है।